गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम वापस से जो हमारा लास्ट वीडियो था बायोरिएक्टर का, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने दो टाइप्स की बात कर रहे थे, एक कॉमनली क्या होता है स्टर टाइप और दूसरा हमारे पास क्या होता है स्पार्स टाइप बायोरिएक्टर्स। तो कल हमने स्टर टाइप बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा था, आज हम स्पार्स टाइप बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा बायोरिएक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, दीज आर द लार्ज वेसल्स होते हैं जिसके अंदर मेनली क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं तैयार करते हैं बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं हम स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करते हैं उनको कल्चर करते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो बायोरिएक्टर क्या होता है, वो लार्ज वेसल है जिनके अंदर सारी ऑप्टिकल कंडीशंस जो होती हैं बनाई जाती है रखी जाती है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं, फिर उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं हम क्या करते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। ये हम सब कल पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर फास्ट ट्रैक बायोरिएक्टर के बारे में। न्यू स्टूडेंट्स के अंदर कुछ डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू द कॉमनली यूज जो स्टर टाइप होते हैं उनके कंपेरिजन। अगर यहाँ पर हम बात करें बाद, अगर हम बात करेंगे हमारे पास क्या हो गया लार्ज वेसल आ गया बायोरिएक्टर आ गया। इस वेसल्स के अंदर हमारे पास ये हमारे पास क्या होती है प्रोपेलर लगा होता है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं ब्लेड्स लगे होते हैं, ये हमारे पास जो इसका सराउंडिंग होता है हमारे पास इसके अंदर, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर, या हमारे पास क्या होता है जो रॉ मटेरियल है उसको ऐड किया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है मीडियम होता है, ठीक है, लाइक फर्मेंटेड मीडियम हो गया न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है जैसे उसके अंदर हमारे पास क्या होती है एक आउटलेट होती है, यहाँ पर भी क्या होती है एक आउटलेट होती है सॉरी इनलेट, यहाँ पे क्या होती है इनलेट होती है जहां से क्या करते हैं रॉ मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं माइक्रोब्स इनोकुलम्स जो होता है ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके साथ क्या होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस जो मिलता है आपको वो क्या मिलता है यहाँ पे एक स्पार्जर लगा होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है एक स्पार्जर लगा होता है इसके अंदर, यहाँ पर क्या होता है एक परफोरेटेड स्पार्जर लगा होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं स्पार्जर, और ये कैसा होता है परफोरेटेड स्पार्जर होता है, ठीक है, परफोरेटेड स्पार्जर। तो इसका जनरली मेनली काम क्या होता है इसके अंदर भी क्या होती है इनलेट लगी होती है इसके अंदर, यहाँ से जनरली क्या होती है एयर पास की जाती है, ठीक है। और ये एयर जो होती है यहाँ से क्या करती है इसके अंदर बबल्स क्रिएट करती है, यहाँ पर क्या होते हैं इस टाइप के बबल्स जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं इस स्पार्जर की वजह से। और ये बबल्स होते हैं क्या करते हैं दो तरीके से काम करते हैं जनरली, एक तो क्या करते हैं ये एयर पास करने का काम करते हैं, दूसरा क्या करते हैं ये मिक्सिंग करवाने में करते हैं हेल्प करते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो रहा है प्रोपेलर जो होते हैं, इन प्रोपेलर के साथ क्या लगी हुई है यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई मोटर लगी हुई है, ये मोटर क्या करती है रोटेट करती है जब प्रोपेलर्स को, तो इससे क्या करती है मिक्सिंग होती है, प्लस क्या करता है यहाँ पे स्पार्जर जो है ये करता है एयर पास करता है यहाँ से, जिससे क्या होता है बबल्स क्रिएट होते हैं। तो एक तो क्या होता है एयर की सप्लाई करने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है वो जो मिक्सिंग हो रही है उसको थोड़ी मिक्सिंग कराने में करता है हेल्प करता है, ठीक है, मिक्सर के साथ।
यहाँ से हमारे पास क्या इनलेट है जहाँ से क्या होता है रॉ मटेरियल एड किए जाते हैं, और सेकेंडली क्या करते हैं माइक्रोब्स एड किए जा रहे हैं, इनोकुलम्स एड किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पे आपको याद होगा हमने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पर क्या होती है पीएच कोट लगी होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं पीएच कोड होती है, जिसका मेनली काम क्या होता है जो पीएच मेंटेन करना होता है, जिसको जो मीडियम है इसके अंदर, इस मीडियम का जो पीएच होता है, तो क्या आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे हैं माइक्रोब्स की कल्चरिंग कर रहे हैं, और माइक्रोब्स की कल्चरिंग करते हुए क्या होते हैं सारी फेवरेबल कंडीशन जो होती है हमें प्रोवाइड करनी होती है, ये बायोरिएक्टर क्या करता है हेल्प करता है इस सारी कंडीशन को प्रोवाइड करने में। तो उस तरीके से क्या करते हैं ये जो पीएच कोड लगी होती है यहाँ पे, ये हेल्प करती है जनरली क्या होता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। जनरली क्या होता है मान लीजिए हाई हो रहा है तो उसके अंदर एसिड ऐड करना है या बेस ऐड करना है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या करता है उसको ऐड करके इस तरीके से क्या होता है जो पीएच होता है उसको क्या होता है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर के लिए क्या लगा होता है थर्मोमीटर लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है थर्मोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इस टाइप का क्या होता है स्पार्स टाइप का क्या होता है बायोरिएक्टर होता है। उसमें है क्या एक लार्ज वेसल्स है, लार्ज वेसल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इसके अंदर मेनली हमारे पास क्या होती है इनलेट होती है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है आउटलेट है, आउटलेट भी है। इनलेट क्या होता है वो स्पेसिफिक पोर्ट होती है जहां से जनरली क्या करते हैं हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं और इनोकुलम ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनलेट रहती है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है मोटर लगी होती है, मोटर के साथ प्रोपेलर लगे होते हैं और इसके ब्लेड लगे होते हैं। यूजरली क्या होते हैं इसके ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड क्या करते हैं हेल्प करते हैं इसको रोटेट करने में, ट्रोली मिक्स करने में। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ माइक्रोबियल कल्चर्स को, प्लस इसके साथ साथ क्या होता है एक स्पार्जर लगा होता है। स्पार्जर के अंदर क्या होता है कैसा होता है परफोरेटेड स्पार्जर होता है, इससे क्या होती है एयर पास की जाती है और एयर क्या करती है एक तो मिक्सिंग करवाने में हेल्प करती है, दूसरा क्या करती है एडिशन इंक्रीज करने में करती है हेल्प करती है। इसके अलावा क्या होता है थर्मोमीटर लगा होता है जो मेनली करता है टेम्परेचर को चेक करता है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पे आउटलेट होती है जहाँ से हमारे पास क्या होता है सारा कंटेंट होता है जहाँ से क्या होता है बाहर निकाल लिया जाता है उसे उस बोर्ड को क्या बोलते हैं आउटलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन जो आएगा आपको जनरली ये आता है कि डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप डायग्राम जो है थोड़ा वो डिफरेंसेस हो सकता है कि डिफरेंट बुक्स वाइज आपको दे रखा हो अलग अलग, लेकिन जो बुक में दे रखा है आपको उस टाइप का डायग्राम क्या है आपको ड्रॉ करना है। दो टाइप का डायग्राम है आपके पास, एक स्टार टाइप का था और दूसरा आपके पास क्या स्पार टाइप। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कुछ ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है इसके अंदर, वो है हमारे पास डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, वो उसको कर लेते हैं डिस्कस यहाँ पे। इसके बाद हमारा चैप्टर और एक टॉपिक दोनों ही क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है, सिंपली है जैसे हमारे पास क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट जो था हमारे पास क्या हो गया तैयार हो गया, तो हम क्या करते हैं उस आउटलेट से क्या करते हैं सारा कंटेंट जो होते हैं क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसमें से तो उसमें सब कुछ आ गया, उसका न्यूट्रिएंट मीडियम भी मिलेगा आपको, माइक्रोबियल कल्चर भी मिलेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है डिजायर्ड प्रोडक्ट वो भी मिलेगा उसके अंदर। तो उसमें से हम क्या करते हैं आइसोलेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वहां से हम क्या कर लेते हैं उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप होता है हमारे पास, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड, एक बार आपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकाल लिया उसको हमें क्या करना होता है प्यूरिफाई किया करना होता है, तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार आपने उसको अलग कर लिया, अलग करने के बाद क्या करते हैं उसको प्यूरिफाइड किया जाता है उसको, और प्यूरिफाइड करने के बाद क्या करते हैं उसकी एनालिसिस की जाती है टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास स्टेप क्या होता है इसके अंदर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के हमारे पास क्या होता है उसको एनालाइज किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है प्रॉपरली, और टेस्टिंग के अंदर क्या होता है डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है उसको गुजरना होता है, और उसको हर एक लेवल से क्या होता है पास होना होता है। तो सारे लेवल में पास होने के बाद देन उसको क्या किया जाता है उसके बाद उसको उसकी क्या जाती है मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, एंड कमर्शलाइजेशन किया जाता है उस प्रोडक्ट क्या होता है कमर्शलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, सेल के लिए क्या होता है उसको
अप्लाई करेंगे तो सारे लेवल जो होते हैं उनके लगते पास के लिए पास करने पड़ते हैं। सारे स्टेप्स फॉलो पास होने के बाद क्या होता है उसको कमर्शियली क्या होता है सेल के लिए क्या होता है मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेसिंग जो रहती है इसमें क्या बोलते हैं डाउन स्टेपिंग प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं हमने इतने लास्ट स्केल पे उसको हम निकालते हैं, आउटलेट से कंटेक्ट कनेक्ट करते हैं, फिर उसके हमारा डिजायर प्रोडक्ट जो होता है उसको अलग कर लेते हैं, फिर उसको प्यूरीफाइड कर लेते हैं। प्यूरीफाइड करने के बाद क्या होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग करने के बाद उसको कमर्शियल के लिए क्या होता है मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास क्या था पास टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा हमारे पास डाउन स्टेपिंग प्रोसेसिंग क्या होता है। इसके ऊपर क्या होता है क्वेश्चन आते हैं आपको कि क्या होती है, क्वेश्चन दोनों में मिल जाता है, बता देता हूँ स्ट्रीम प्रोसेसिंग आप बताओ उसके बारे में। तो हमें तीन चार स्टेप जो होते हैं आपको क्या होते हैं बताना है। तो स्टूडेंट्स अब इसकी मैं बात करूँ आपसे तो ये जो टॉपिक है और ये टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर था प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक के अंदर वो हमारे यहाँ पर क्या हो गया आज कम्प्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेकेंड चैप्टर है इसका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक उसके अंदर क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतने स्टूडेंट्स।